अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्शीन और आज की हमारी डिश है चिकन पॉट राइस। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे हाफ के जी बोनलेस चिकन कट इनटू मीडियम साइज क्यूब्स, 4 कप चिकन स्टॉक। ये मैंने 1 ग्रीन ऑनियन बंच ले ली हूँ, उसके जो लीव्स है उसे मैंने चॉप कर ली हूँ और उसके जो अनियंस है उससे मैंने इस तरह से स्लाइस कर ली हूँ। यह है 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसे हम स्लरी बनाने में यूज करेंगे। ये है 1/2 जुकीनी एंड फ्यू पीसेज ऑफ बेबी कॉर्न, ये ऑप्शनल है, आपको आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 1 मीडियम येलो बेल पेपर, 1 मीडियम रेड बेल पेपर ले ली हूँ। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं। ये है 1 बिग कैरेट कट इन टू स्लाइसिस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 3 टेबल स्पून गार्लिक चॉप, 1 टेबल स्पून जिंजर चॉप, 1 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 टेबल स्पून शुगर और ये है 3 ग्रीन चिलीज स्लिट फ्रॉम सेंटर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। अब एक पैन में हम पहले ऑयल हीट कर लेंगे और उसके अंदर गार्लिक और जिंजर ऐड करेंगे। 2 मिनट्स के लिए उसे हम सौते कर लेंगे। देखिए 2 मिनट्स के लिए हमने इसे सौते कर ली। अब इसमें हम स्लिट ग्रीन चिलीज डालेंगे और इसे 1 मिनट सौते करेंगे हाई फ्लेम पे। मैंने फ्लेम को स्लो कर दी हूं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस और इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। देखिए अनियंस सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। सॉल्ट, पेपर एंड शुगर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कुक करेंगे जब तक चिकन टेंडर हो जाती है। देखिए मैंने इसे 2 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई की हूं। अब हम फ्लेम स्लो कर देंगे और कवर करके इसे कुक करेंगे जब तक ये टेंडर हो जाती है। देखिए चिकन टेंडर हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन स्टॉक, 4 कप चिकन स्टॉक ऐड करेंगे इसमें और इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, ऐड करने देंगे, कैरेट्स ऐड करेंगे, बेबी कॉर्न और जुकीनी भी ऐड कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। एक बॉईल आने के लिए हम एक बॉईल आने तक पहले वेट करेंगे और आप चाहे तो इसमें ब्रोकोली भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसे फास्ट बॉईल आ गया है। तो अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर स्लरी ऐड करेंगे। ये ग्रेवी थोड़ी थिक रहती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर स्लरी, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का स्लरी बना के पूरी स्लरी ऐड कर दी हूँ। देखिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर की स्लरी और ऐड कर दी हूँ तो टोटल 5 टेबल स्पून हो गई। अब इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। हमें टोटल इसमें 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर की ही स्लरी डालनी है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक हो जाएगा। अब हम इसमें बेल पेपर्स ऐड कर देंगे और थोड़ा हम इसमें ग्रीन अनियन लीव्स डाल देंगे और थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे कवर करके सिर्फ 2 मिनट्स कुक करेंगे सो दैट जो कैप्सिकम है वो भी थोड़े सी कुक हो जाए और फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे 2 मिनट्स बाद। पॉट राइस की जो ग्रेवी है हमारी वो रेडी है। तो अब हम राइस का राइस देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 कप्स बासमती राइस को बॉयल कर ली हूँ। तो इसका जो मेथड है वो कुछ इस तरह है कि आप पहले 5 कप्स बासमती राइस को सोक कर ले, 3 टाइम्स वॉश करके सोक कर ले 1/2 आवर के लिए। ओके, आधा घंटा सोक कर लेंगे। तब तक एक बड़े सी बर्तन में आप 10 ग्लास पानी ले लें और उसके अंदर 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालें, बादियान डाल दे, स्टार एनाइस और उसमें सॉल्ट डाल दे। देखिए जो पॉट राइस है उसमें स्टार एनाइस दैट इज बादियान डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मेन फ्लेवर इसका है और इसी के फ्लेवर से आपका पॉट राइस रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। तो जब उसमें बॉयल आ जाएगा तो आप उसमें ये बासमती राइस जो हमने सोक करके रखे थे आप वो डाल दें उसके अंदर और जब
ये राइस 90% कुक हो जाएंगे तब जो एक्स्ट्रा पानी है आप उसको स्ट्रेन कर ले, और ये जो राइस है उसको एक इस तरह से बड़े सी थाली में निकाल के रख ले, स्प्रेड कर लेगी उसे ताकि जो भी उसका मॉइस्चर है, उसकी स्टीम है, वो सब इवेपोरेट हो जाए। तो हमारे राइस देखो इस तरह से इतने परफेक्टली बॉयल हो गए हैं। अभी राइस के लिए हम एक बड़े कढ़ाई में थोड़ा ऑयल हीट कर लेंगे और जो राइस हमने बॉईल करके रखे थे वो सब इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके हम इसे 5 मिनट्स कुक कर लेंगे। राइस हमने 90% बॉईल किए थे तो जब तक ये और 10% तक पूरे गल नहीं जाते तब तक हम इसे स्लो फ्लेम पे कवर करके कुक कर लेंगे। देखिए सबसे पहले एक बोल में हम राइस ले लेंगे और इस तरह उसे कॉर्नर्स पे डाल के बीच में एक हॉलो बनाएंगे सो दैट हम अपनी ग्रेवी बीच में सर्व कर सके। अब ये जो हमने हॉलो बनाए थे इसमें हम हमारी ग्रेवी फिल कर देंगे। सो गाइस पॉट राइस रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।